भाई 2 मिनट दोगे इंटरव्यू के लिए? नमस्कार देवी और संजनो, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे न्यूज चैनल में जिसका नाम है 13 सितंबर। तो आज की न्यूज रिपोर्ट में हम पता करेंगे कि नीट का पेपर कैसा जाता है और किस तरीके से डिफिकल्टी आई है। फिजिक्स डिफिकल्टी हल्की सी, ज्यादा नहीं, ठीक था। मतलब पेपर बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस कितना आया था? लगभग पूरा ही था, एक दो क्वेश्चन बाहर से आते हैं तो हर बार, इस बार भी आए थे, वरना पूरा एनसीईआरटी से था। कैसा था पेपर? बढ़िया था, फॉर्मूला बेस्ड थे ज़्यादातर क्वेश्चन उसके, तो ठीक था। तो मतलब तीनों सब्जेक्ट में से कौन सा टफ ज़्यादा आया था? इस बार सब मॉडरेट ही था, लगा था ज़्यादा टफ नहीं लगा। 2019 के कंपैरिजन में कहें अगर अपन तो ईजी था इस बार, पिछली बार हाँ, मतलब पिछली बार तो काफ़ी ईजी आया था, उससे भी नहीं, उस हिसाब से मतलब लेवल थोड़ा सा कम था इस बार। एनटी ने क्या है वो उसके वजह से कोरोना के कारण उन्होंने ऐसा बताया था, इसलिए कम कर दिया था उन्होंने। और एसओपी वगैरह फॉलो हुई अंदर की? हाँ, जितना भी बोला था उन्होंने सब फॉलो किया गया। पेपर कैसा था? पेपर बहुत सिंपल था, मतलब पिछले साल जैसे ही आया था क्या? पिछले साल से मतलब थोड़ा लेंदी था लेकिन सिंपल था। फिजिक्स इस बार बहुत सिंपल थी, केमिस्ट्री भी सिंपल थी। और बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड थी, जाना कुछ नहीं था। मतलब एनसीईआरटी के ही आए थे क्वेश्चन, जैसे कहते हैं लोग कि भाई 90 में से अराउंड 80-85 एनसीईआरटी थी। हाँ 85 एनसीईआरटी। पेपर कैसा था? बढ़िया। कैसा था मतलब पिछले ईयर से कैसा आया था? मेरा पहला ट्राई था, फर्स्ट ट्राई था। 2019 का लगाया हुआ ना? हाँ लगाया था, ठीक ठाक था दोनों, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं था। एनसीईआरटी से आई थी? हाँ एनसीईआरटी से ही आया। कितने क्वेश्चन आए थे अराउंड एनसीईआरटी से? अराउंड में ऐसे लगभग तो नहीं पता, पर एनसीईआरटी से ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। तो 2019 का अराउंड कह सकते हैं। एसओपी वगैरह फॉलो हुई थी अंदर? हाँ एसओपी बिल्कुल फॉलो हुई थी सारी जगह, मतलब कि सैनिटाइजर वगैरह सब थे और मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना किया था सब लोगों ने। हाँ बहुत अच्छी तरीके से फॉलो हुई, कोई भी दिक्कत नहीं आई, बहुत ही अच्छे बैठाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग फुल मेंटेन हुई, सब कुछ था जितना उन्होंने सोचा था ना, सोशल डिस्टेंस से ज़्यादा बहुत अच्छी तरह, मतलब स्टूडेंटों के लिए मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है और पेपर भी सिंपल ही आया था। हाँ सारे के सारे सब फॉलो किया गया था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं सो रहा हूँ, कहीं भी भीड़ वगैरह नहीं थी, सब एकदम लाइन वगैरह चल रहे थे और दूर दूर का सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा था। ऐसे भी उन्होंने बहुत अच्छी फॉलो की है टीचरों ने और स्टाफ ने, बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है कैसे भी, मतलब कहीं से भी कैसे, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस उन्होंने मैनेज की है। हाँ पूरे रूल्स फॉलो हुए थे, पूरा कोरोना का प्रोटोकॉल था, ग्लव्स हुए थे, सैनिटाइजर हुआ था, पूरा कंप्लीट सब रूल्स फॉलो हुए थे। पिछले साल के कंपैरिजन में क्या डिफ़िकल्टी लेवल थी? मतलब ऑलमोस्ट सेम ही था सर, देखा जाए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बायो में कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे और केमिस्ट्री का यूजर होती है वैसे। तो पेपर कैसा था गया आपका? पेपर तो अच्छा गया, सिंपल था पेपर, जितना सोचा था उससे काफ़ी सिंपल था पेपर इस बार। पेपर में अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो कौन सा सबसे ज़्यादा टफ लगा? वो तो सबका, ज़्यादातर लोगों का फिजिक्स ही टफ लगता है, तो मेरा भी वही सब्जेक्ट है फिजिक्स ही टफ है। और बायोलॉजी कैसी आई थी? बायोलॉजी सिंपल आई थी इस बार, पूरा एनसीईआरटी था, कुछ क्वेश्चन थे बाहर से पर ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही था। तो पेपर कैसा था? अच्छा था, अच्छा था। मतलब डिफिकल्टी के बारे में बात करें तो कैसी? बायोलॉजी मतलब बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, और केमिस्ट्री भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक के थोड़े कम थे और फिजिकल के ज़्यादा नहीं थे, और फिजिक्स थोड़ा मीडियम था ज़्यादा। मतलब अगर हम बात करें पिछले साल के पेपर से तो मतलब उससे कंपेयर मतलब सेम ही आया था, बट एनसीईआरटी लेवल आया था बिल्कुल, मतलब कुछ भी बाहर से नहीं आया था ज़्यादातर, बहुत अच्छा सिंपल पेपर आया था। 2019 के क्या अगर हम चेक करें उसके कंपेयर करें तो क्या था लेवल? 2019 से तो थोड़ा ऊपर ही था। ऊपर लगा। हाँ और एसओपी वगैरह फॉलो हुई थी अंदर? हाँ हुई थी फॉलो, अच्छे से वगैरह हुआ था। मास्क दिया था उन्होंने? हाँ दिए मास्क। ठीक है थैंक यू। तो पेपर कैसा था? अच्छा था, इजी था। कैसा गया आपका? अच्छा था। तो अगर पिछले साल के पेपर के कंपैरिजन की बात करें 2019 के, तो किस तरीके का डिफिकल्टी बोल सकते हैं?
दो, मतलब पिछले बार बायो भी उसका भी अच्छा था, इस बार थोड़ा ज़्यादा ईजी था। वैसे तो बायोलॉजी की बात करें तो कैसी आई थी बायोलॉजी? बायो बहुत ईजी था। पेपर के मतलब ओवरऑल कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगा सबसे ज़्यादा? ऐसा तो कोई डिफिकल्ट नहीं था, फिजिक्स भी थोड़ा इजी था, केमिस्ट्री भी अच्छा था, मतलब इजी था ही आया था सब कुछ। फिजिक्स थोड़ा सा टफ था क्योंकि वो मुझे आता भी नहीं था, तो शायद इसलिए पता। एंड SOP वगैरह फॉलो हुई थी? SOP ऐसा है, मतलब आप अगर मतलब ये बोला गया था ना कि वो सैनिटाइजर मास्क वगैरह देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई SOP फॉलो नहीं थी। मतलब ऐसा था कि अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो तो है ऐसा। अभी जैसे ट्विटर वगैरह पे बहुत पोस्टपोनमेंट का चला था, तो उसमें पार्टिसिपेट वगैरह किया था? तो मतलब अभी जैसे काफ़ी पोस्टपोन का चल रहा था कि फिर से एक बार पोस्टपोन करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि या तो ये एग्ज़ाम उसी डेट पर हो जाता जो डेट पहले निश्चित की थी 3 मई, तो बेहतर था। इसमें स्टडी डिसकंटिन्यू हो गई और सभी परीक्षार्थियों के लिए, एक के लिए नहीं सभी के लिए थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया और रिदम जो उनका बना था टेम्पो पढ़ाई का वो टूट गया, तो इससे सभी विद्यार्थियों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और मेरे हिसाब से तो इसका जो कट ऑफ है वो डाउन जाना चाहिए। और आपका क्या सोचना था कि अगर फिर से पोस्टपोन होना चाहिए था क्या? नहीं, क्या काफ़ी ना इंटरनेट पे ट्विटर वगैरह पे चल रहा था कि फिर से पोस्टपोन करा जाए परीक्षा को, तो उस पर आप क्या? देखो, जिस समय कोरोना के केस कम थे उस समय तो पोस्टपोन कर दिया, और इस समय कोरोना की महामारी है उस समय परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो खतरा उस समय की बजाय इस समय ज़्यादा है, तो इसलिए अभी पोस्टपोन कर देते लगभग 2 माह के लिए तो और बेहतर होगा। क्या नाम है आपका? पेपर किस कैसा था, मतलब डिफ़िकल्टी के बारे में? और मतलब NCERT बेस्ड था पूरा, और ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT से पूछे गए थे, तो पेपर ईजी लेवल का ही था। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर बात करें 2019 के, तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा 10-20% ईजी था, डिफ़िकल्ट नहीं था। कैसा था पेपर? पेपर ठीक था, अच्छा पेपर था। 2019 के कंपैरिजन में कहें हम अगर, हम तो मतलब क्या लेवल पर था? लगभग सिमिलर था, उसी टाइप के डिफिकल्ट ईजी था। हाँ मतलब सही हुआ सब, पेपर भी ईजी सा आया और SOP फॉलो हुई, तो सब अच्छा हो गया। सर बिल्कुल, पेपर इजी इसलिए था क्योंकि NCERT बेस्ड था। NCERT बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन ऐसा मेरे को नहीं लगा जो बाहर से था, एक दो क्वेश्चन होंगे जो जनरली पूछे जाते हैं 5-4 क्वेश्चन, पर इस बार वो क्वेश्चन कम थे जो बाहर से पूछे जाते हैं, तो पेपर रिलेटिवली पिछले साल से ईजी था। सो पेपर इजी सुन सुन के मैं थक चुका हूँ, मेरे कानों में दर्द होने लगा है, तो मैं तो यही कहूँगा यार कि मज़े करो और ये जो फ्री टाइम मिला है इसमें कोई नई स्किल सीखो, अपने आप को डेवलप करो, क्या पता वो तुम्हारे बाद में बहुत काम आए। तो अभी चैनल पर मेरे इसी टाइप का थोड़ा कंटेंट डलने वाला है, सो उसके लिए वेट करो, मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।